जी बच्चों, आपने सही सुना है, आ गया है न्यू सिलेबस। आईसीआई का न्यू सिलेबस आपके लिए वेट कर रहा है, आपके दरवाजे पहुंच चुका है। आईसीआई ने वो कर दिखाया है जिसका वो हमें कब से इंतजार था। बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही थी कब आएगा न्यू सिलेबस, शायद इलेक्शन की वजह से डिले हो जाएगा, बट हमें आईसीआई पर पूरा भरोसा था कि आईसीआई ओपी लेके आएगा न्यू सिलेबस एकदम टाइम से। तो एक बार भैया चैट में, इससे पहले वीडियो लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार चैट में हो जाए आईसीआई ओपी, सब कोई जो प्रीमियर देख रहा है एक बार आईसीआई ओपी हो जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद ये कर दिखाया है। जैसे कि आपको पता है अनअकैडमी फाउंडेशन 360 का मैं नंबर वन एजुकेटर हूं फॉर द पर्पस ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ, और आया हूं मैं आपको इस चैनल पर डिटेल्ड आउटलेट देने आपके सिलेबस के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है फाउंडेशन के लॉ में। साथ ही साथ मैं आपके साथ यहां पर यह भी डिस्कस करूंगा कि बिजनेस लॉ में मॉड्यूल कैसी है, मॉड्यूल भी आपको दिखाऊंगा, मॉड्यूल के एडिशंस भी आपको दिखाऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि अब हमें इसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं बिना किसी डिले के साथ, और चलिए फिर मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CACS शांतम गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, जैसे कि आपको पता है पेपर का नाम बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, जैसे पहले भी बिजनेस लॉ था, पहले सबसे पहले पेपर का नाम ही चेंज हुआ, पहले था बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कोरिस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, अब पेपर का नाम चेंज करके सीधे कर दिया गया है बिजनेस लॉ। क्यों? क्योंकि पहला सबसे बड़ा, आई एम ब्लेस्ड, अरे भैया मैं तो इस पर तो मैं भी बोलूंगा आईसीआई ओपी, कि बीसीआर को कर दिया गया है रिमूव। कुछ बच्चे ऐसे हुआ करते थे जिनका भैया लॉ तो स्ट्रॉन्ग होता था लेकिन बीसीआर में दिक्कत पड़ जाती थी, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे बीसीआर को लास्ट तक ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ लॉ 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 पढ़े चले जाते थे, फिर उनको प्रॉब्लम यह होती थी कि बीसीआर की वजह से उनके नंबर नहीं आते थे। तो फाइनली बीसीआर को रिमूव कर दिया गया है, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और इसी के साथ साथ 100 मार्क के सिलेबस में हुए हैं कुछ एडिशंस और कुछ सब्सट्रैक्शंस, तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक न्यू एडिशन हुआ है न्यू सिलेबस में, विच इज IRF इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और ये आता है सीधे सीधे सीए फाइनल से। ओह, सीए फाइनल तो डर जाना चाहिए, नहीं बेटा डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये बस आपको बेसिक्स बताएगा। आज मैं आपको इसकी मॉड्यूल भी दिखाऊंगा, ये आपको ये सिखाएगा कि लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, कैसे लॉ या एक्ट बनता है या कैसे पढ़ाया जाता है। आपको अगर पता हो, मैं तो हर अपनी फाउंडेशन की क्लास कोई सी भी उठा के देख लो, चाहे यूट्यूब पर, स्पेशल पर, प्लस पर, सबसे पहला मेरा डिस्कशन यही होता है कि एक्ट और लॉ में डिफरेंस क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, एक्ट कैसे बनता है, और फिर प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकलता है। मेरे तो सारे पहले लेक्चर इसी पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग ने देखा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो वैसे का वैसे ही, सर पहले भी यही था अभी भी यही है, नहीं बेटा गौर से देखिए, फाउंडेशन में इंटरमीडिएट का कंटेंट ऐड कर दिया है। पहले फाउंडेशन में सिर्फ और सिर्फ हुआ करता था कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 1275 स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे सीए इंटर में। इस स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सीए इंटर से रिमूव करके डाल दिया गया है सीए फाउंडेशन में। तो क्या सीए का सिलेबस थोड़ा सा फाउंडेशन का सिलेबस बढ़ गया? अब भैया 40 नंबर का बीसीआर हटाया तो कुछ तो ऐड करेंगे। क्या डिफिकल्टी है? बिल्कुल नहीं भैया, सीएसजी है इधर, तो दुनिया से क्या डरना है आपको, क्यों लॉ से डरना है? अगर लॉ की दुनिया में दर्द है, कहीं सीएसजी दवा है सही, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, सारी चीजें हम कराएंगे, आपको टेंशन लेने की दरकार नहीं है। और मेरे हिसाब से भैया ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा। उसके बाद आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सर यहां पर देयर इज नो चेंजेस, जैसे ये था वैसे का वैसे ही है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जैसे था वैसे का वैसे ही है, LLP जैसे था वैसे का वैसे ही है। वैसे LLP के जो एडिशनल पोर्शन होते हैं, मतलब जितने आप फाउंडेशन में पढ़ते हो उसके बाद कहीं पर नहीं पढ़ते थे, उसको अब इंटर में डाल दिया गया है। फिर आता है कंपनीज एक्ट, जो का तो वो तो पहले भी कंपनीज एक्ट इंटरमीडिएट में था, अभी भी इंटरमीडिएट में है, तो इट इज सेम एज ओल्ड। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक न्यू एडिशन है, विच इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि ये देश और दुनिया में जो आजकल आप रोज करते हो ना, बिल्स, चेक्स, ड्राफ्ट, उन सब के ऊपर बेस्ड है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये न्यू एडिशन किया गया है सिलेबस में, इंटरमीडिएट से डायरेक्ट आया, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि न्यू सिलेबस के ऊपर मैं पहले से, बहुत पहले से इस पर काम कर रहा हूँ, काफी लंबे समय से, मतलब मैंने शायद इस पर काम करना अगस्त से ही शुरू कर दिया था, जब से न्यू सिलेबस आया था। इसके बिट्स एंड पीसेस की हर डिटेल मैंने अपने चैनल्स पर शेयर करी है, इस चैनल पर भी बतवाया मैंने। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि कुछ भी न्यू सिलेबस में कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है किसी भी तरह में जहां पर कुछ बाहर से लाया गया। देर हैज बीन जस्ट शिफ्टिंग, शफलिंग एंड रोटेटिंग, और कुछ नहीं किया गया, दे हैव जस्ट शफल्ड द कोर्स अराउंड।
खाली जो सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल्स हैं जो कि जैसे सी और डी है और ए और बी है, उनमें कुछ नए कंटेंट आए। ए और बी भी पुराना ही है सी और डी में, क्योंकि बच्चों को एआई वगैरह थोड़ी पता होनी चाहिए। तो ये था भैया लॉ का सिलेबस। अब एक काम करते हैं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर चलते हैं और एक बार लॉ का मॉड्यूल देख लेते हैं। देखो सर, ये आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है जहां पर आपको, आप जैसे ही इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खोलोगे ना, चलो मैं एक बार खोल के भी दिखा देता हूं। चलो 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 मैं एक बार खोल के दिखा देता हूं। जैसे मान लो आपने ICI.org खोला ना, जैसे ही आप ICI.org पेज पर जाएंगे, यहां पर देखिए आपको ये ब्लिंक कर रहा है ना, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसको क्लिक करिए। आपके सामने यहां पर आ जाएगा प्रोस्पेक्टस, मैंने डिकोड कर दिया, ट्रांजिशन स्कीम डिकोड कर दी, सिलेबस डिकोड कर दिया, एफएक्यू डिकोड कर दिया। अब आए स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल जो फाउंडेशन का है, उसमें आप बिजनेस लॉ के पेपर को जब खोल के देखोगे तो सबसे पहली चेंज हुआ है कलर। पहले कलर हुआ करता था ग्रीन और व्हाइट बुक का ऑनलाइन में, अब कलर हो गया है रेड एंड व्हाइट। अब रेड भी नहीं, इसको पिंक बोल सकते हो तुम, पिंकिश रेड। अब लड़कियां ज्यादा बता पाएंगी, भाई हम लोग कलर ब्लाइंड होते हैं। तो ये चीजें IRF है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर आप देखोगे सर स्टार्टिंग में इसका मीनिंग ऑफ लॉ एंड इट्स सोर्सेस, टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, ये होना चाहिए था। ये हम लोग ऐसे भी क्लास में, मैं तो बताता ही हूं भाई, आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो इतना जो पोर्शन है ना, ये 1 2 3 4 5, ये 5 पोर्शन तो मैं आपको बताता ही हूं, ठीक है। तो ये एक नया एडिशन किया, मतलब सबसे पहली बात ये है कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 हुआ करता था, वो चैप्टर नंबर 1 अब चेंज होके, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, चैप्टर नंबर 1 चेंज होके अब कॉन्ट्रैक्ट की जगह ये वाला चैप्टर आ गया, ठीक है। उसके बाद सर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आप देखोगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, अदर की एलिमेंट, परफॉर्मेंस, ब्रीच, कंटिजेंट, सब सेम है। यहां से कंटेंट नया ऐड किया गया है। और ये भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं आपको इंटर का मॉड्यूल खोल के दिखा दूंगा ओल्ड सिलेबस का, एग्जाम्पल के साथ साथ सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर दी गई हैं इसमें, मतलब उनके कंटेंट से उठा के, इवन ये सेम फोटो भी है वहां पर, ठीक है। तो इंटर का कंटेंट को उठा के सीधा यहां पर डाल दिया गया, ठीक है, एज इट इज। कुछ कुछ चेंज नहीं किया उन्होंने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी मार के पूरा चेंज करके डाल दिया यहां पर। सोगा सेम है, पार्टनरशिप सेम है, LLP सेम है, NI नया आया है। इंटर का जो पूरा मॉड्यूल है, इंटर के मॉड्यूल को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। सर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए अब ये बताइए। देखो सर, अब मैं दो कैटेगरी में ये बताऊंगा, वो बच्चे जो मेरे साथ प्लस पर पढ़ रहे हैं और वो बच्चे जो मेरे साथ प्लस पर नहीं पढ़ रहे हैं। जो बच्चे मेरे साथ प्लस पर पढ़ रहे हैं, दे आर एट एन एडवांटेज। क्यों? क्योंकि मैं आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स पूरा कोर्स प्लस पर कराऊंगा, साथ ही साथ प्री क्लासेस में मैं आपकी 210 आवर्स आंसर राइटिंग कराऊंगा। यस, 210 आवर्स ऑफ आंसर राइटिंग। और YT पर यू विल हैव रेगुलर रिविजन्स। और आपको तो पता ही है YT पर रेगुलर रिविजन्स का हमारा टाइम क्या होता है, ठीक है। रेगुलर रिविजन्स का हमारा टाइम क्या होता है, हमारा टाइम होता है रात को 11 बजे। यू हैव रेगुलर रिविजन्स एट 11 PM एवरी नाइट, ठीक है। तो ये तो भैया प्लस का कारोबार हुआ, ठीक है। अब स्पेशल पर क्या है सर, सॉरी मतलब जो लोग सिर्फ यूट्यूब पर है, अब देखो जो लोग सिर्फ यूट्यूब पर है, आप यूट्यूब के कंटेंट को कम से कम 3 से 4 बार देखेंगे, 3 to 4 times, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 2 बार रिवाइज करा रहा हूं यूट्यूब पर, तो आपको चाहिए कि आप 2 को 2 बार देखें तो आप 4 बार रिवाइज करें, ठीक है। यूट्यूब पर मैं कंटेंट कभी भी नहीं काटता, आई एम नोन बाय दैट टीचर हु डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कंटेंट ऑन पेड मीडिया और कंटेंट ऑन अनपेड मीडिया। कंटेंट आपको हर बार, भाई सीधी सी बात है, तुम दिल से पढ़ना चाहते हो, मैं दिल से पढ़ाना चाहता हूं, बात खत्म, सीधी बात। तुम दिल से पढ़ना चाहोगे, मैं दिल से पढ़ाऊंगा, ठीक है, कंटेंट। और साथ ही साथ फ्री क्लासेस तो आप भी अटेंड कर सकते हो। फ्री क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल दी हुई है, मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे अनअकैडमी पर, मेरी प्रोफाइल, या तो आप अनअकैडमी पर सर्च कर सकते हो मेरा नाम शांतम गुप्ता, ठीक है, CA शांतम गुप्ता करके आप सर्च कर लोगे मेरा नाम, ठीक है। मैं आपका प्रोफाइल आपको मेरे को दिख जाएगा, जस्ट कंप्लीटेड 25 मिलियन वॉच मिनट्स ऑन आवर एकेडमी, तो आप वहां से मेरे को आ सकते हो। आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को मेरे क्लासेस फ्री में देखने के लिए, फ्री का कोड है, कोई भी फ्री क्लास पर क्लिक करिएगा और ये कोड डाल दीजिएगा, आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। तो फ्री क्लासेस आप अनलिमिटेड देख सकते हो, उस पर कोई लिमिट नहीं है, यू कैन सी एज मेनी फ्री क्लासेस एज यू वांट टू। तो ये 210 आवर्स का कंटेंट आपको भी मिल जाएगा। बट अगर आप प्रोफेशनल, मतलब आप कम से कम आप भी यहां पर 6 to 8 times सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, यहां पर 5 to 6 हो पाएगा,
तो आप आज ही प्लस पर आ सकते हो हमारे साथ, इतना कोई खास महंगा है नहीं, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 14,000 में आपको आ जाएगा, 14,000 के आसपास, और उसमें CSG के कोड पर आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। बट अगर आप YouTube के साथ भी कर रहे हो, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। CSG गारंटी, अब CSG में CS और G का मतलब तो गारंटी होता है। अब लाइक ठोको, अब सब्सक्राइब करो, और ICAIOP भेज दो सब जगह वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कल 11 बजे से शुरुआत कर रहा हूं आपका पहला क्लास ऑन आंसर राइटिंग। बाय बाय, सी यू, टाटा।